हमेशा विवादों में रहने वाला मेरठ कैंट स्थित ऋषभ एकेडमी एक बार फिर विवादों में घिरा। महिला टीचर को बंधक बनाने का आरोप। त्रिवेणी जैन, मैं हूँ एक होम साइंस टीचर, HOD की पोस्ट पे यहाँ काम कर रही हूँ 10 सालों से। और मेरे साथ 2-3 दिन पहले गौरव राजपूत ने कंप्यूटर रूम में बदतमीजी की, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की और छेड़खानी तक करने की कोशिश की। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बदतमीजी की इतनी हदें पार कर दी कि मेरा BP हाई हो गया, मुझे हार्ट प्रॉब्लम तक होने को शुरू हो गई। मैं ये कंप्लेंट करने के लिए जब प्रिंसिपल ऑफिस आई तो उन्होंने मेरी ही गलती निकाली, उसे बचाया गया और उसे बचा के आज भी, और मुझे इस तरह से धमकी दी गई कि अगर तुमने इसे नहीं बचाया, इसके लिए कंप्लेंट करी, स्कूल कंप्लेंट भी की, तो आपको निकाल दिया जाएगा। मेरठ कैंट स्थित ऋषभ एकेडमी में बुधवार को महिला टीचर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महिला टीचर ने अपने ही स्कूल के एक अन्य टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता ने परेशान होकर जब स्कूल में शिकायत की तो स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता को स्कूल परिसर में ही बंधक बना लिया गया। महिला ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस के पहुंचने पर स्कूल का गेट खोला गया। आज जब मैं स्कूल आम स्कूल आई तो मुझे सिग्नेचर भी नहीं करने दिए, कह दिया गया कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया गया। जब मैंने इसकी उसमें आवाज़ उठाई कि गलती मेरी तो थी नहीं, आप उसे ही बचा रहे, तो कह रहे हमें नहीं पता कुछ, हमें आप यहाँ से जाओ। जब मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया तो हस्बैंड को भी उल्टी सीधी बातें उन्होंने सुनाई, फिर हस्बैंड को बाहर निकाल दिया और मुझे अंदर बंधक बना लिया गया। इस बुरी तरह से यहाँ ये लोग टीचरों को प्रताड़ित करते हैं कि हमें सैलरी कुछ दी जाती है और 8,000 रुपये हमसे वापस ले लिए जाते हैं। हर एक टीचर अगर उसके अगेंस्ट में कुछ बोलने की कोशिश करती है तो फिर संजय जैन, मुकेश कुमार, रेनू, चारू, भावना, आवेश और क्या कहते हैं ये सारे ही टीचर उस टीचरों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें फिर नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, नहीं तो फिर जान से मारने की धमकी देते हैं। और जैसा मेरा हाल हुआ आप देख सकते हैं, वैसे टीचरों को डराया और धमकाया जाता है। सूचना पर डायल 112 की पुलिस और सदर थाना पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला से जानकारी ली। पुलिस ने के तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।